हाँ देखो भैया, भैया ध्यान दो, जब हमारा जो है व्यंजक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, द्विघात समीकरण, जब द्विघात समीकरण हमारा क्या हो, इस रूप का हो, ठीक है, तो हमें पूर्ण वर्ग विधि करना है। पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए बना दो, क्या एक क्या बना दो ए, माने ए से भाग देने को क्या करो, ए से भाग दे दीजिए, ठीक है, ए से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर, भैया ध्यान देना, सभी लड़के इधर देखो, ए से भाग देने पर, ध्यान से लड़के सभी देखो पड़ेगा, अब भाग दोगे आप यहाँ क्या होगा, ए खत्म हो जाएगा ना, देखो इधर ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बटा में ए बटा में ए बटा में ए बराबर जीरो बटा ए, दोनों से भाग दिया, ये तो आपका कैंसिल हो गया, क्या हुआ एक्स स्क्वायर धन बी बटा ए एक्स धन सी बटा ए बराबर जीरो हो गया भैया। अब क्या करो आप, हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, मेरे पास पूर्ण वर्ग क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यही है आ? हमें यहाँ मतलब टू ए बी चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर है मेरे पास, ए स्क्वायर है, यहाँ क्या चाहिए टू ए, बात सुन गए, यहाँ यक्स यहाँ इसके गुणांक का आधा कर दीजिए, हो जाएगा ना, देखो बी अपॉन ए इज इक्वल टू टू इंटू बी अपॉन टू ए, होगा नहीं होगा भैया, हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, मध्य पद का आधा यानी बी अपॉन टू ए मध्य पद का आधा का वर्ग, हाँ जोड़ लीजिए घटा दीजिए, जोड़ना घटाना तब तभी जीरो होगा, अब किसी भी संख्या व्यंजक में जीरो जोड़ोगे तो वही आएगा, तुम्हारा मान अब परिवर्तित होगा, ठीक है, तो देखो मध्य पद बी बी बटा ए का आधा, हाँ यानी बी बटा ए का आधा, आधा यानी एक बटा बी बटा दो ए, देखो जो बी बटा दो ए का स्क्वायर, हाँ जोड़ने और घटाने, जोड़ने और घटाने, समझे कर देना लड़के, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर धन बी बटा ए एक्स धन बी बटा दो ए का होल स्क्वायर होगा बाबू, हाँ माइनस बी बटा दो ए का होल स्क्वायर धन सी बटा ए बराबर जीरो, हो गया भैया, अच्छा अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी क्या हो गया एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कर दे पछांतर उसको, यानी बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस सी बटा ए, पछांतर होगा ए माइनस का प्लस और प्लस का बाबू, हो जाएगा, समझ में आ रहा नहीं आप लोगों को, अब देखो आप एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी माइनस सी अपॉन ए, अब इसका आप लसअप ले लीजिए, क्या ले लीजिए लसअप, क्या होगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर, बचे नहीं, अब इसे भाग दोगे तो फोर ए होगा ना, फोर इस मल्टीप्लाई करोगे माइनस फोर सी ए होगा, अब यहाँ कोई स्क्वायर है लड़के, क्या है स्क्वायर, आप वर्गमूल लिखो, ठीक एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी ए अपॉन फोर ए स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग है लड़के ना, कि नहीं ध्यान देना, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, इसको मिटा दो,
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी ए, बी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है अपॉन, अब इसका क्या होगा, टू ए हो जाएगा, क्या होगा टू ए, समझ में आया, ये है हमारा अब x इक्वल टू क्या होगा लिखे माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी ए अपॉन टू ए, ठीक, और हल करना है और हल कर लीजिए आप लोग, इसे क्या मिल जाएगा फार्मूला मिल जाएगा, समझ में आया, हमें पूर्ण वर्ग विधि की बात करना है, बस यही तक बात करना है, ठीक है, अब चलो टाइम जब हाँ उसको उतारना उतार लो आप लोग, ठीक है।